हम तो परेशान नहीं है। जो लेडीज है ये मेकअप ज्यादा क्यों करके आती है? मरियम के मुंह पे फिटे, मरियम के मुंह पे फिटे। अफ्तारी के जमान पार्क में बहुत मनाजर, 5 मिनट पहले के मनाजर हैं बिल्कुल अफ्तारी से। तो फलक जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आवाम को अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बताइएगा, पीडीएम वाले इलेक्शन में मानते नहीं, पीटीएम पीटीआई वालों ने इलेक्शन करवानी है, क्या लगता है कौन जीतेगा इलेक्शन? आवाम जीतेगी ना, पीडीएम या कोई और आवाम जीतेगी इंशाल्लाह। इस बार आवाम निकली अपने हक के लिए, बहुत सालों के बाद बाहर निकली है, तो अभी फैसला आवाम ने कर लिया कि सांसद को वापस लेकर आना है। और ये जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, फिलहाल उनको अफ्तारी करवा रही हूँ, तो आप जो है साफ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे मसला हो रहा है। हाँ जी बोले। अच्छा मैम बताइएगा, एक टाइम पे इतनी बड़ी तादाद में लोग अफ्तारी कर रहे हैं, कैसी थिंकिंग है आपकी? बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें साबित समझा कि हम जो है अपने भाइयों को अफ्तारी करवा सके। उन भाइयों को जो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पे हमारे लिए बैठे हुए हैं, खान साहब के लिए बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के लिए बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बताइएगा, खान साहब को सपोर्ट करने की क्या वजह? खान साहब ईमानदार है, खान साहब बहादुर है, दलेर है, बुजदिल नहीं है, अपनी आवाम का सोचते हैं, तो ये इसलिए वजह है। अच्छा मैम बताइएगा, आजकल ट्वीट वायरल हो रहे हैं कि पीटीआई की जो क्यादत है परेशान है, क्या लगता है? हम तो परेशान नहीं है, परेशान तो वो हैं जो उससे काम कर रहे हैं, लोगों को ठुआ रहे हैं, तशद्दुद करवा रहे हैं, झूठे मुकदमात बना रहे हैं, हम तो देखिए वो एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान भी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा क्या कहना चाहती हैं खान साहब को, कोई प्यारा सा मैसेज लास्ट में दे दें? खान साहब को ये मैसेज है कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है, इन्होंने आपको अकेला समझ के निकाला था, लेकिन आप अकेले नहीं है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम आपके पीछे खड़ी हुई है। आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे? क्यों नहीं होंगे, इंशाल्लाह होंगे, करवा के छोड़ेंगे, क्यों नहीं, खान साहब आएंगे। ये लोगों के कैसे रिएक्शन है जब आप इनके डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी? डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी इनके उनके मोराल बहुत हाई है भाई, ये यहाँ बैठे हुए हैं, आंधी तूफान छोड़ के, बारिश छोड़ के, अपने बच्चे बच्चे छोड़ के यहाँ बैठे हुए, खान साहब के लिए बैठे हुए हैं, क्या आ सकते हैं खान साहब को, पूरी कौम बाहर निकल आई है खान साहब के लिए। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कौन सा फैसला? इलेक्शन करवाने का खान साहब के हक में फैसला दिया, लेकिन पीडीएम वाले खान साहब के हक में फैसला नहीं दिया, उन्होंने कानून आइन के मुताबिक फैसला दिया है, और फैसला जो है वो आवाम की मर्जी के मुताबिक नहीं आया, कानून आइन के मुताबिक आया है, तो ये है कि इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आवाम एक साल से यही तो मुतालबा कर रही है कि मुल्क इंतखाबात करवाए जाए और आवाम को फैसला करने दिया जाए कौन वज़ीर आज़म आएगा। जो बंद कमरों के फैसले हैं वो आवाम ने रिजेक्ट कर दिए हैं। मैम एक बात बड़ी वायरल हो रही है ट्विटर पे, ये पीटीआई की जो लेडीज है ये मेकअप ज्यादा क्यों करके आती है? तो इनके बाप का पैसा है, हमारी लागी की कमाई की जो मर्जी करें हम। सवाल तो ये बनता है कि मुल्क में महंगाई क्यों है, करप्शन क्यों है, गुर्बत क्यों है, लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, दिवालिया कर दिया अपने मुल्क का, हम पे चोट वगैरह सलत कर दिया, सवाल तो ये बनते हैं। मेकअप करना ना करना माँ जाती मसला है ना, हम उससे बिल्कुल नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं, मरियम की तरह उसके बाप के लुटे हुए नाम से तो यश नहीं कर रहे, सर्जियां नहीं करवा रहे हैं। मरियम साहब को कोई प्यारा सा मैसेज दे रहे, हमेशा अग्रेसिव मैसेज हम भेजते हैं, कोई प्यारा सा मैसेज आई दे मरियम के मुंह पे फिटे फिटे मुझे। ठीक है, आपने मेजबान को दीजिए इजाजत, देखते रहिए जानिए पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।